स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक नए चैप्टर पे बात करेंगे जिसका नाम है कंप्यूटर मेमोरी। तो शुरू करते हैं हम। कंप्यूटर मेमोरी, लाइक आवरसेल्फ्स कंप्यूटर आल्सो हैव मेमोरी। जैसे हम लोगों के पास मेमोरी होती है, वैसे ही कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होती है। मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ CPU इन विच एक्सटर्नल डेटा एंड रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग आर स्टोर। जो मेमोरी होती है वो CPU प्रोसेस करवाता है, CPU उस पर कंट्रोल करता है, और ये कंप्यूटर को ये पावर प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से वो कोई भी काम कर पाता है। मेमोरी इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज इंटरनल मेमोरी एंड द रेस्ट वन इज एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी जो कि CPU कंट्रोल करता है, और एक्सटर्नल मेमोरी जिसको CPU गाइड करता है कि कब एक्स्ट्रा मेमोरी, जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन है जो CPU नहीं रख सकता अपने पास, उसे वो एक्सटर्नल मेमोरी को दे देता है। एक्सटर्नल मेमोरी में मतलब होता है कि हार्ड डिस्क है, CD है, DVD है, जो अलग से मेमोरी हम लगा कर कंप्यूटर की मेमोरी की पावर को या इंफॉर्मेशन को रखने की पावर को बढ़ाता है। अब इंटरनल मेमोरी की बात कर ले तो इंटरनल मेमोरी दो होती हैं, जिन्हें हम प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इंटरनल का मतलब होता है अंदर रहने वाली मेमोरी, तो CPU बॉक्स के ये अंदर रहती हैं, इसलिए हम इन्हें इंटरनल मेमोरीज के तौर पे जानते हैं। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इनकी एक फिक्स साइज होती है, एंड यूज स्टोर्स डेटा इंस्ट्रक्शंस करेंटली रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। और ये उन डेटा पर वर्क करती हैं जो हम कीबोर्ड से दे रहे हैं तुरंत, और जिनके ऊपर प्रोसेस होकर उनका कुछ वर्क हो रहा है या रिजल्ट बन रहा है। जैसे कोई हमने एप्लीकेशन खोल रखी है, तो एप्लीकेशन पर काम करते वक्त जो मेमोरी वर्क कर रही होती है, उसे हम इंटरनल मेमोरी के तौर पर जानते हैं। उस वक्त CPU प्रोसेस कर रहा होता है, क्योंकि वो हम एप्लीकेशन पर काम कर रहे होते हैं, तो जिस वक्त काम कर रहे होते हैं उस वक्त प्रोसेसिंग चल रही होती है, और वो मेमोरी इंटरनल मेमोरी के तौर पर जानी जाती है। ये दो मेमोरी जो होती हैं इंटरनल, उनमें पहली मेमोरी है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मेमोरी डिवाइस ऑफ कंप्यूटर। इन दिस प्रोसेस मेमोरी डेटा ऑफ टेम्परेरी नेचर इज स्टोर्ड। यहाँ पर RAM में जो डेटा होता है वो टेम्परेरली स्टोर होता है, जब वर्क कर रहे होते हैं उसी वक्त इसमें डेटा जाता है, और जैसे ही वर्क कंप्लीट हो जाता है ये डेटा गायब हो जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। जैसे आप एक एप्लीकेशन खोल रखे हैं और उस एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हैं, सपोज पेंट की एप्लीकेशन खोल रखी है और उस पर ड्राइंग कर रहे हैं, तो ये ड्राइंग की जितनी भी स्ट्रोक आप देते हो कि आपको कर्व खींचना है या स्टार बनाना है या कलर करना है, ये उस वक्त स्टोर हो रहा होता है। और जैसे ही आप कंट्रोल एस करके अपने फाइल का नाम देते हो, ये सेव कर देता है आपके एक्सटर्नल मेमोरी में, और अगर आप ये काम नहीं करते तो वो चीज़ डिलीट हो जाती है। इसका मतलब ये टेम्परेरी स्टोर कर रहा होता है जब आप काम कर रहे होते हो, और जब आप काम ख़त्म कर लेते हो तब ये परमानेंट के लिए पूछता है आपसे फाइल सेव करके। तो रैम उस वक्त काम, जब एप्लीकेशन पर आप काम कर रहे होते हो उस वक्त रैम काम करता है। डाटा प्रोसेस्ड इन सम टाइम्स कमांड बीइंग एग्जीक्यूटेड, द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर ऑल्सो फर्स्ट स्टोर्ड इन मेमोरी। सबसे पहले ये मेमोरी में स्टोर्ड होता है, देन व्हाट अ कंप्यूटर इज शट ऑफ, और जैसे ही कंप्यूटर अगर बीच में लाइट चली जाए या शट डाउन हो जाए तो ये मेमोरी चली जाती है। इसका मतलब जो डेटा आपने बनाया हुआ होता है या जो प्रोसेस आप कर रहे होते हो वो डिलीट हो जाता है। देयरफॉर दिस मेमोरी इज रेफर टू एज वोलेटाइल मेमोरी, इसीलिए इसको हम टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। अ यूजर मे यूज दिस मेमोरी फ्रीली एज पर हर और हिज नीड ऑफ डिज़ायर। कंप्यूटर इस मेमोरी को अपनी इच्छा के अनुसार इसे यूज़ करता है, और ये मेमोरी उसके काम करने के बाद फ्री हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी का काम जो होता है वो सारे डिवाइसेस की चेकिंग का होता है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम की चेकिंग का होता है। तो आप जब सिस्टम को ऑन करते हो तो ये मेमोरी काम करती है। दिस इज समवॉट अ परमानेंट मेमोरी, ये एक तरीके की परमानेंट मेमोरी होती है। इट इज़ अ मेमोरी डेटा ऑफ परमानेंट
इम्पोर्टेंस इज स्टोर, जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है वो यहाँ पर स्टोर होता है। जैसे कौन सा डिवाइस लगा हुआ है, माउस अटैच है कि नहीं, कीबोर्ड अटैच, तो सारे डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। सच एज नेसेसरी कमांड एंड इन्फॉर्मेशन टू बूट द कंप्यूटर, और कंप्यूटर को स्टार्ट करने का या बूट करने का, बूटिंग प्रोसेस जिसे हम कहते हैं, शुरू करना कंप्यूटर को, ऑन करना, ये भी रोम का काम है। दिस डेटा कैन ओनली बी रीड, इस डेटा को जो रोम के अंदर डेटा होता है या मेमोरी होती है उसे केवल रीड किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, उसके अंदर चेंजेस नहीं किए जा सकते। आफ्टर राइटिंग द मेमोरी वंस यू कैन नॉट चेंज और रिमूव द डेटा रिटन ऑन इट, एक बार उसको पढ़ने के बाद में इस डेटा को रिमूव नहीं किया जा सकता। द डेटा इज स्टोर्ड इन दिस मेमोरी रिमेन सेफ इवन आफ्टर द शटिंग द कंप्यूटर ऑफ, इस डेटा को बंद करने के बाद कंप्यूटर के भी कोई परेशानी नहीं पड़ती है। और कभी कभी ये डेटा जो होता है, जो आपका सिस्टम पर टाइम और डेट आती रहती है, वो सिस्टम के ऑफ करने के बाद में अगर आप चाहे देखें तो वो दोबारा जब शुरू करते हैं तभी भी करेक्ट टाइम और डेट अगर आ रही है, तो ये केवल और केवल रोम के कारण होता है। वो क्लॉक लगातार चलती रहती है एक बैटरी के सहारे, जिसे हम सीमॉस बैटरी कहते हैं, और कंप्यूटर अपडेट रहता है अपने टाइम और डेट को लेकर। तो दोनों मेमोरीज, खासकर प्राइमरी मेमोरी की हम बात कर रहे हैं या इंटरनल मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में आज आपको पढ़ना है और समझना है। दोबारा से मैं रिपीट कर दूं दोबारा से सारे प्रोसेस को। तो कंप्यूटर के पास टू मेमोरीज होती हैं, वन इज इंटरनल एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो इंटरनल मेमोरीज जो होती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी दो तरीके की होती है, और प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर को चलाने में, ऑन करने में और एप्लीकेशन को ऑन करने में दोनों मदद करती हैं। एक कंप्यूटर को ऑन करने में, जिसे हम रोम कहते हैं, और ये चेक भी करती है कि कौन कौन से डिवाइस लगे हैं कंप्यूटर को काम करने के लिए, और दूसरी एप्लीकेशंस को ऑन करने में, जिसे हम रैम कहते हैं। और ये दोनों मेमोरी मिलकर कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करती हैं, ये सीपीयू की हेल्प करती हैं ताकि कंप्यूटर अच्छे से प्रोसेस कर पाए अपनी इंफॉर्मेशंस को और आपको करेक्ट रिजल्ट दे पाए। तो आज दोबारा से आपको इनको देखना है, रीड करना है चैप्टर्स को, और कल हम एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।